हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अक्ष ऑप्टी फाइबर लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम है 52 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 60.7 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 69 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस हुआ है इस बार का 57.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 67.6 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 65.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस डिक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है। कंपनी को इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स में 1 करोड़ का गेन हुआ है, जिसके कारण प्रॉफिट है 4 करोड़ का, लेकिन पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ का गेन हुआ था, उसके कारण प्रॉफिट जो है 66 लाख का लॉस था, इस बार 4 करोड़ का लॉस है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3.2 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 4.2 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 4.9 करोड़ का लॉस है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वापस से रिकवर किया, क्योंकि टैक्स इस बार 7 लाख का ही पे करना पड़ा, पिछले क्वार्टर में 4.2 करोड़ का पे करना पड़ा, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है। ईपीएस की बात करेंगे तो -0.26 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रिकवर है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट उतना कोई खास रिजल्ट पेश नहीं हुआ, एवरेज देखने को मिला, क्योंकि इनकम लगातार फॉल हो रही, लेकिन टैक्सेस कम पे करने के कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर की लॉस रिकवर किया है। वहीं अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम है 52 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 59.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 66.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 53.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 58.9 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 59 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 27 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 84 लाख का लॉस है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 7.2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 15.6 लाख का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 1.4 करोड़ का लॉस है, दिसंबर 22 क्वार्टर में 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। EPS 0.01 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो गाइस देखिए, स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड, दोनों का इनकम लगातार फॉल हो रही है, लेकिन नो डाउट है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंसेस स्टैंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कम होने के कारण और टैक्सेस कम पे करने के कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया है इस बार का, जिसके कारण गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इंप्रूव, लेकिन ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में भी डाउन देखने को मिला। तो ओवरऑल गाइस कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।